अरे उसी पर बच्चा उसी पर कल से रहना। अभी रुके रहना, जब हम लोग बोलेंगे तब उठना। उधर से और उधर जाइए, और उधर जाइए। और कोई है साथ में? साथ में है कोई? आपके साथ में कोई है? चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते वक्त एक यात्री ट्रेन के नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि यात्री की जान बाल बाल बच गई, लेकिन मामूली रूप से यात्री घायल हो गया, जिसके बाद उसे ट्रेन रुकवाकर बाहर निकाल लिया गया। अरे उसी पर बच्चा उसी पर कल से रहना। अभी रुके रहना, जब हम लोग बोलेंगे तब उठना। उधर से और उधर जाइए, और उधर जाइए, और उधर आके बढ़िए। सर में चोट लगा है ना? सर में चोट लगा है, पीठ में भी लगा है। माने आप लोग जब गाड़ी चलती है तब नहीं चढ़ते हैं? जब कूलर में है हाँ, इनको बैंडेज कराना होगा ना। और कोई है साथ में? साथ में है कोई? आपके साथ में कोई है? साथ में है कोई ना? साथ में है? उनको बैठाइए ना, डॉक्टर के ले जाइए। करिए डॉक्टर जेबे करेंगे मुगलसराय स्टेशन पर। दरअसल यात्री मुरारी सिंह अपने परिवार के साथ नई दिल्ली से बिहार के औरंगाबाद जा रहा था। इसी दौरान जब ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची, इस दौरान यात्री मुरारी सिंह कुछ सामान लेने के लिए ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर आए, तभी ट्रेन अचानक चल पड़ी। ये देख यात्री ने भागकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी के कारण यात्री का पैर लड़खड़ाया और वो ट्रेन के नीचे आ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया। पब्लिक की आवाज़ सुनकर मौके पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी कर्मचारियों ने तत्काल ट्रेन को रुकवाया और यात्री को बाहर निकाला। हालांकि यात्री के सिर पर चोट लगने की वजह से खून निकलने लगा, इसके बाद यात्री का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। सर, एक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में एक पैसेंजर चलती ट्रेन में पैर फिसलने से गिर गया था, पूरा मामला क्या है और किस तरह से आपके जवानों ने उसकी जान बचाई? एक्चुअली भाई मुरारी सिंह पैसेंजर हैं, ये दिल्ली से औरंगाबाद जा रहे थे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से। ये ट्रेन खुलने के बाद चढ़ने गए, ये पैर फिसल गया, ये नीचे गिर गए। तब तक जीआरपी और आरपीएफ के कर्मचारियों ने देखा, गाड़ी को रुकवा करके फिर इनको नीचे से ऊपर ले आया गया। हल्की फुल्की चोट थी, फर्स्ट एडमिट पे आकर के इनको ट्रेन बैठा दिया गया। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने यात्री की हालत को देखने के बाद ट्रेन में बैठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। साथ ही जीआरपी ने यात्री को चलती ट्रेन में नहीं चढ़ने की भी हिदायत दी है। चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।